नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के अवतार नगर में भाजपा नेता के घर में गैस लीकेज के बाद हुआ ब्लास्ट, दो मासूम बच्चों सहित 5 लोगों की मौत, एक घायल। लहरा काका की चोंटियां चौकी के पास एक कार में लगी भयानक आग, पति पत्नी ने बाहर निकलकर बचाई जान। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के अवतार नगर की गली नंबर 12 में भाजपा नेता यशपाल घई के घर में गैस सिलेंडर लीकेज के बाद हुए ब्लास्ट हादसे में 3 मासूम बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि भाजपा नेता के बेटे इंद्रपाल की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता यशपाल घई घर में मौजूद थे कि देर रात अचानक गैस सिलेंडर से गैस रिसने लगी। इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ कर पाते, सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे घर की दीवारें और छत तक उड़ गई। वही हादसे के दौरान घर में भाजपा नेता यशपाल घई सहित 7 लोग मौजूद थे। इस हादसे में यशपाल घई, उनकी बहू, बेटा तथा 2 मासूम बच्चे बुरी तरह से झुलस गए, जबकि एक बुजुर्ग महिला मामूली रूप से झुलसी है। देर रात मोहल्ले में ब्लास्ट की आवाज सुनकर मोहल्ला निवासी दहशत में आ गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की माने तो हादसे का कारण सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद लगी आग के कारण फ्रिज का कंप्रेसर फट गया, जिससे जोरदार ब्लास्ट हुआ और घर में मौजूद सभी लोग इसकी चपेट में आ गए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तुसी देखा है कि बड़ा ही मंदभागी घटना, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो सानू जरा इतला मिली सी कि भी आ जरा घर है, घर के पिछे कोई ब्लास्ट होया, इस करके जोड़े है इंजरीज आई है। तो असी हमने ही असी जोड़े है डॉक्टर, असी हॉस्पिटल भी विजिट किया है, नाल असी जी फोरेंसिक टीम साड़ी इतने स्पॉट पर हैगी, असी जी है जो जरा भी स्पॉट हैगा वह असी जो फोरेंसिक सैंपलिंग कलैक्शन एनालिसिस करा। इस तो बाद ही इस बाकी दर्शा जाएगा कि एक्चुअली वे की होया किन्ने परिवार के जी सी नहीं, हले तक तो इन्होंने 5 जने दे बेसिकली दसे गए, तो बाकी जड़े है 2 बंदे बाहर सी फॉर्चुनेटली बच गए सी जी, बट बाकी उन्होंने वालों जी स्टोरी नरेट की गई है उसी ही ध्यान रख के असी जरा आगे फर्द वो तो असी जरा हॉस्पिटल तो जाके कन्फर्मेशन। आग का कारण कोई पता लगे नहीं, नहीं इदा की नहीं, असी एक बार असी जरा फोरेंसिक टीम बुलाई हैगी, असी देख रहे गए कि है, क्योंकि जरा सीन जरा स्पॉट है वो काफ़ी डिस्ट्रक्शन होया है, तो एज ऑफ नाउ कोई चीज़ के नतीजे से पहुँचना पॉसिबल नहीं है। 9:55 कॉल आती है जी, फायर लगी आ, अग जी ना अवतार नगर 13 नंबर गली दे विच फायर हो गई आ, जिस मकान विच फायर हुई आ असी उत्थे तुरंत अपनी टीम नू लैके 2 गड्डियां लैके असी फायर ते पहुँच रहे हैं। जो अगे जाके देखा कि कुछ फायर ज़्यादा फ्रिज का जिहड़ा सिलेंडर ना ब्लास्ट होया पिया सीगा, सानू अगे कुछ बंदिया ने लीड किया कि दसिया कि विच घर दे विच बच्चे तो कोई 3 आदमी अंदर हैगे आ, असी काफ़ी जनिया नू पुछया किंदा किंदा कित्थे अंदर हैगे आ, जिंदा सानू पता लग्या असी कढ़िया उन्हां नू, तुरंत उन्हां नू मैडिकल सुविधा लई असी हॉस्पिटल भेज दिता गया। असी जी 5 बंदियां नू बाहर कढ़िया जिहड़े इंजर्ड सीगे, लोकां ने देखो अपनियां कारां जिहड़ियां वो दिक्कत परेशानी आई कि सानू कारां अपनियां नहीं परे करदे, एक अपनी जिहड़ी फायर स्टेशन की गड्डी आ, एक अपने कोई छोटा फायर मिनी टेंडर आ वह गया सीगा, एक वड्डा फायर टेंडर सी वह गया सी, जिहड़ा आपां वड्डा फायर टेंडर गड्डियां वारदे आ वो लोकां ने किसी ने साडा साथ नहीं दिता कि गड्डियां नहीं परे करदे हैं, सवार पति पत्नी जाखल से बरनाला जा रहे थे। इस दौरान एक
मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उनकी गाड़ी में आग लगी हुई है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत गाड़ी से उतरकर देखा तो गाड़ी में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद इसकी सूचना जाखल फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। हम जाखल से बरनाला जा रहे हैं, जाखल से हरते बरनाला जा रहे थे। हमें कैसे लगी हमें नहीं पता। कैसे नहीं लगी? आप लोग कितने लोग थे जी? दो लोग थे। तो आप लोग सुरक्षित हैं जी? कोई बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हो? गाड़ी में आग लगी। हाँ, अभी कोई फायर ब्रिगेड जाखल पहले आ गई, अभी पंजाब की भी आ गई। पंजाब की आ गई, दोनों की आ गई है, जाखल की भी आ गई, पंजाब की भी आ गई। जान मांगा कोई नुकसान नहीं है? नहीं नहीं, कोई जान का कोई नुकसान नहीं है, गाड़ी तो नहीं होगी। भैया हम तो निकल गए, पता नहीं हम अंदर बैठे थे तो आग किसी ने पीछे से देखा, मोटरसाइकिल पे आ रहे थे लोग, उन्होंने हमें बोला कि आपकी गाड़ी को आग लग गई, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ। हमें पता नहीं चला, फिर जब आग आगे आ गई, सारे बोनट ने आग पकड़ ली, फिर हमें पता चला। तो आप लोग सुरक्षित हो? कोई दिक्कत परेशानी? हम ठीक है, एक बार गाड़ी लॉक हो गई। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पिंगला घर के मानसिक रोगों से जूझ रहे बच्चों, बूढ़ों और अपंग लोगों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा, प्रिंसिपल मनगिंदर सिंह, स्टाफ और छात्र पिंगला घर पहुंचे, जिनका स्वागत पिंगला घर के मैनेजर कैप्टन जगदीश चंद्र और मारिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रीमती चोपड़ा ने मानसिक रोगी बच्चों तथा बुजुर्गों को गुलाब का फूल देकर उनके प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने सभी को कंबल और फल वितरित करते हुए स्नेह प्रकट किया। श्रीमती चोपड़ा ने सभी का मुंह मीठा करवाकर उनके जीवन में मिठास बनी रहने की कामना की। उन्होंने कहा कि एक मानसिक रोगी को प्यार का एहसास करवाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह भी हमारे समाज का ही एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने मौजूदा हालातों को ध्यान में रखकर आज के युवाओं को मानसिक तंदुरुस्ती के लिए योग तथा मेडिटेशन करने का संदेश देते हुए कहा कि योग हमें मानसिक तौर पर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने समूह उपस्थित छात्रों को मानसिक तौर पर बीमार लोगों की अधिक से अधिक मदद करने के लिए प्रेरित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से मेंटल हेल्थ डे अपने इन पिंगला घर में अपने लोगों के साथ मनाया गया, क्योंकि अपने इस वजह से, क्योंकि शिक्षा का दान और हर वक्त वस्त्र का दान और जो चीज़ इनको ज़रूरत है उस चीज़ का जो दान है वो सेंट सोल्जर ग्रुप इनके साथ करता है, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। इनको ये ना लगे कि हम अपने दुनिया में इस ढंग से हमारे में जो कमियां हैं उसका हमें आभास हो, इस चीज़ को मिटाते हुए सेंट सोल्जर जो है अपने इनके साथ होली, दिवाली, दशहरा सारे त्यौहार इन्हीं के साथ मनाता है। सिर्फ मेंटल हेल्थ डे को ही नहीं मनाता और हमेशा इन बच्चों में खुशियां बांटता है, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। और ये जो अपनापन है हम इसलिए हम करते हैं क्योंकि दुनिया में सब जो है इन बच्चों को अपनाएं और एक अच्छे भारत का निर्माण करें। इसी तरह मेंटल हेल्थ दिवस को हम अपने इन अपनों के साथ मनाते हुए कि ये जो भारत है इसको हम अपने स्वर्णिम भारत में परिवर्तित करते हुए इन बच्चों को अपनाते हुए, ताकि जो हमारे स्कूल के बच्चे आए भी हैं इनमें एक अच्छा संस्कार जो है वो आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपना ही करता है। जब आप इनको बांटते हैं तो एक अलग से खुशी का एहसास होता है। ये लोग इस चीज़ का, इस दिन का एहसास जो है वो आभास करते हैं और हमारे लिए इंतज़ार करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ दिवस वाले दिन एक अच्छा मैसेज जो है सेंट सोल्जर ग्रुप सारी दुनिया में देता है और इन अपनों को अपनाते हुए एक अच्छे भारत का निर्माण करता है। गॉड ब्लेस देम ऑल, और इसी तरह एक अच्छे भारत का निर्माण करते हुए एक अच्छे युग का निर्माण करेंगे, क्योंकि देने से जब आपकी ग्रोथ होती है परमात्मा आपको देता है। आप खाली हाथ आए हुए हैं और आपने दे के ही जाना है इन सबको, तो क्यों ना एक अच्छे भारत का निर्माण करें। बीपी कौलाजी भलाई केंद्र ट्रस्ट और बाबा दीप चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन चल रहे स्कूल, अस्पताल, संगीत अकादमियों के बाद जहां बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रामतीर्थ रोड पर संगतों के लिए लंगर की सेवा संबंधी वैन चलाई जाती थी, अब वहीं एक लंगर घर की इमारत जो कि कुछ महीने पहले तैयार की जा रही थी का उद्घाटन बाबा जी की असीम कृपा से भाई अमनदीप सिंह की ओर से संगतों की हाजिरी में किया गया। तो वहीं
कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल विशेष तौर पर यहां पहुंचे और बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के इस कार्य की प्रशंसा की। उनका कहना था कि बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, बीबी कोल्हा जी भलाई केंद्र और इस ट्रस्ट के अधीन चल रहे कई सेवा के कार्य, जो कि गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल और मेडिकल सुविधा, स्कूल और अब लंगर भंडारे की जो इमारत खड़ी की गई है, वह प्रशंसनीय कार्य है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज मैं बाबा दीप सिंह जी हेल्थ केयर चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिहड़ा भाई साहब वालों सरदार पाल सिंह जी वालों चलाया जा रहा है, ये सर देख के मन खुश हो। देखो जिहड़ा धरती दे उत्ते पाप भी बड़ा हो रहा, पर पुन भी बड़ा, बहुत लोग इदा दे धरती दे उत्ते जिहड़ा बड़ा चंगा ते पुन दा काम करते, और जिहड़ा असीं रसोई दा लंगर दा उद्घाटन किया ड्राइव थ्रू, ये इन्हों का जो आइडिया है ये बहुत जबरदस्त है। और दूजा जोड़ा इन्होंने मैं दसिया कि अज के युग के जो आप कहने कि आप 21वीं सदी से शामिल हो गए हैं, दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है, तो अज इस युग के कुछ लोग धरती से इदा दे जे अपने माँ बाप न बजुर्ग माँ बाप को धक्के मार के घरों कढ दें, और ये लोग संस्था जी उन्होंने घर घर जाके टिफिन च बंद राशन जोड़ा वो दे के आते। मैं समझता कि यदों व्डा होर कोई पुन वाला काम नहीं हो सकता, हॉस्पिटल चलाना तो होर भी एक सब लोग के बहुत व्डा काम है, पर जोड़ा इन्हों लंगर का स्टाइल है लौड़वंदा लंगर, देखो एक लंगर साड़ी परंपरा सिखा दी, आप बड़े मतलब इस गलों साढ़े गुरु नानक साहब का जोड़ा लंगर शुरू किया, वो मतलब चलते आ चार सवेरे चलते आ छटकों के उत्ते, आप किलो किलोमीटर के उत्ते लंगर लाने जो कोई धार्मिक फंक्शन आते, बट एक लंगर जोड़ा वह जेडे घर ही भुखे बैठे सड़क के उत्ते, मान लो आप माली लंगर लगा, गाड़ी राम तीर्थ लगा, रिपीट हों बहुत सारिया चीज़ा जड़िया, पर जेडे लौड़वंद शब्द भी समझो पहले जी लंगर की प्रथा सी मेरे तो वह भाई साहब जानते हैं जो मैं पढ़िया, लंगर असल है ही लौड़वंदा कि लौड़वंदा लंगर होना चाहिए, ये उदो जो गुरु नानक साहब के मतलब दिमाग च आई तो वह लौड़वंदा। अज दसद्या हो बहुत खुशी महसूस हो रही दस नो जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीर्थ रोड श्री अमृतसर साहब विखे चल रहे हैं, जिदे अधीन बहुत सारिया सेवावान स्कूल हस्पताल बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी विधवा बीबिया राशन देने की सेवा फ्री टिफिन सेवा होर भी बेंत सेवावान जिते चल रही ने उत्थे पिछले 3 सालों तो निरंतर गुरु के लंगर की सेवा चल रही थी सवेरे 11 to 4 तक, जिदे तकरीबन 2500 तो भी वध शरीर रोजाना प्रशादा छकते हैं, तो मन की इको एक भावना सी कि चलो असी होर कुछ नहीं कर सकते भावें, पर यह जिहड़ा राम तीर्थ रोड घट तो घट इस रोड के उत्ते जेड़े भी लोड़मंद ने वो भुखे ना सौन, इस चीज़ को मुख रख के जो ये लंगर की सेवा शुरू की गई बाबा नानक जी ने जो पूरना पाया सी 20 रुपये तो शुरुआत करके लंगर का उस मिशन नू लैके ये सेवा शुरू हुई सी, ते सेवा तो चल रही सी, पर पहले ये जगह सिर्फ असी दीवारा करके शैड पाया सी, बारिश दे विच काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती सी, ते हुण महाराज ने कृपा की जो संगतां किनका किनका सहयोग देंदियां ने उस सहयोग का सदका ये हुण इमारत पक्की बन के तैयार हुई है। ये भी उस तरह क्योंकि जो इमारत बन रही थी तकरीबन 4-5 महीने लग गए, उस दौरान भी लंगर बंद नहीं होया, वो लंगर गुरु बाबा नानक जी की जिहड़ी गड्डी बनाई चलती फिरदी रसोई उहदे विच चलदा रहा, तो हुण ये इमारत बन के तैयार हो गई, हुण इहदे राहीं फिर लोड़मंद जो लाहा लै सकणगे। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत दिवस के अवसर पर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में बड़ी संख्या में संगत नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान जहां संगत ने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका तो वहीं गुरबाणी का श्रवण भी किया। इस मौके पर सिंह साहिब ज्ञानी मलकीत सिंह ने बताया कि सिखों के पहले गुरु ने दुनिया भर को कीरत करो वंड छको के फलसफे पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसी पातशाह के ज्योति जोत दिवस के अवसर पर जहां विश्व भर के गुरुद्वारा साहिबों हर धर्म के लोग और गुरु नानक नाम लेवा संगत द्वारा ये दिवस बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जा रहा है,
तो वही सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में भी संगत बड़ी संख्या में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने संगत से अपील की कि वे श्री गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर चले। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जिन्हों ने रायपुए की धरती विखे अवतार धारिया भुली हुई मनुखता सच के मार्ग से चलने वास्ते उपदेश दिता। सारा जीवन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपने बख्शिश किए हुए नाम जपो वंड छको किरत करो का उपदेश जिहड़ा सी उस उपदेश देते पहरा दिता ते संगतां नूं पहरा देण वास्ते प्रेरणा की। उस उपदेश के तहत सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने किरती गुरु नानक घर के सेवादार भाई लहणा जी नूं ये जोत जिहड़ी सी गुरु जोत उन्हां दे हिरदे अंदर टिकाई। सेवा ते सिमरन तो खुश हो के कसवटी विच पूरे खरे उतरदियां वेख के सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने ते आप करतारपुर की धरती ते उस अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू के चरणों के अभेदता प्रगट की सचखंड प्याना किया। सतगुरु साहब जी का ज्योति जोत पुरब जिथे विश्व के प्रसिद्ध शहरों में गुरु घर गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत ही नहीं हिंदू मुसलमान हर वर्ग के लोग मना रहे हैं। उत्थे श्री दरबार साहब विखे सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे सतगुरु साहब जी का ज्योति जोत पुरब मनाया जा रहा है। सतगुरु साहब कृपा करन नामदान इशनान सेवा सिमरनियां दातां बख्शिश करन। जालंधर के जिलाधीश कार्यालय में भगवान वाल्मीकि जयंती एवं शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में वाल्मीकि भाईचारे से संबंधित अलग अलग संस्थाओं के सदस्यों की मीटिंग हुई, जिसमें विशेष तौर पर एमपी सुशील रिंकू उपस्थित हुए। डीसी विशेष सारंगल की देखरेख में हुई मीटिंग के दौरान सभी ने एकजुटता से पर्व को मनाने पर सहमति प्रकट की। इस अवसर पर एमपी रिंकू ने कहा कि मीटिंग के दौरान सभी संस्थाओं के सदस्य एवं सभी सरकारी अदायरे के ऑफिसर उपस्थित हुए। इस दौरान अलग अलग संस्थाओं के सदस्यों की ओर से भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा एवं जयंती को लेकर अपने विचार रखे गए। इस मीटिंग में सभी सदस्यों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। वहीं कपूरथला और अमृतसर के ऑफिसरों से भी तालमेल बैठा लिया गया है ताकि जो यात्रा अमृतसर जा रही है उसकी उचित व्यवस्था की जाए। मीटिंग में सनावर भट्टी ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जयंती एवं शोभा यात्रा के दिन प्रशासन ड्राई डे रखे। इसके अलावा डीसीपी जगमोहन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि शोभा यात्रा एवं जयंती पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का पावन ते प्रगट दिवस जिहड़ा 28 अक्टूबर नूं पूरे विश्व दे विच मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर नूं जलंधर तो सिटी वाल्मीकि सभा वालों विशाल शोभा यात्रा कढ़ी जाएगी और अज जिला प्रशासन जलंधर डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसे पुलिस प्रशासन वालों जगमोहन सिंह जी ने हाजिरी लगाई है और नाल ही सारे अदारों के अफसर साहबानों ने उत्थे आ के जिहड़ियां वाल्मीकि शोभा यात्रा के जो जरूरत सी लोगों दी उन्होंने सुनिया और जिला प्रशासन ने सानू विश्वास दिलाया कि असी हर एक तुहाडी जिहड़ी वी आ जो मंग हैगी उन्हें पूरी की जाऊगी। असी प्रशासन मंग की कि 27 अक्टूबर जदों भगवान वाल्मीकि महाराज जी शोभा यात्रा वा उस दिन हाफ डे नाल पूरे फुल डे उन्होंने छुट्टी दी जाए और नाल ही शहर में दो दिन उसे ड्राई डे किया जाए और तीजी साड़ी मंग सी कि पैच वर्क नालों सड़कों फुली तरीके बनाया जाए। मैं राजकुमार राजू सिटी वाल्मीकि सभा का चेयरमैन साढ़े सरप्रस्त चंद्र गरेवाल जी साढ़े अविनाश चोपड़ा जी जो चीफ पैनर आ साडे इन्हां दी रहम हेठ शोभा यात्रा निकली जाऊगी और मैं सारिआं नूं इह अपील करदा कि शोभा यात्रा च बढ़ चढ़ भाग लो। अज साडे नाल पुलिस प्रशासन और डीसी साहब साडे रिंकू MLA MP साहब उन्होंने साडे नाल सारी मीटिंग कीती गई। की मीटिंग दे विच विचार सांझे होए? मीटिंग दे विचार यही सांझे होए कि जिन्ने रोड सारे नवे बन गए और झंडे स्वागती गेट लाए गए। अज जलंधर दियां सारियां सभावां संस्थावां उत्सव कमेटियां सिटी वाल्मीकि सभा सारियां दी जिहड़ी सांझी मीटिंग अज जिहड़ी है प्रशासन ने लई है, जिहदे विच डिप्टी कमिश्नर साहब ने बड़े अच्छे अरेंजमेंट किए सी। सारे डिपार्टमेंट्स के जिहड़े ऑफिसर उन्हां नूं बुला के उन्हां दियां जिहड़ियां ड्यूटीज़ है ताकि गुरु महाराज का जिहड़ा पावन पवित्र
उन्हां दा जन्म दिहाड़ा आगमन पर्व है, बड़े चावां और खुशियां दे नाल असीं मना सकीए। इस करके अज सारे डिपार्टमेंटां नूं बुला के उन्हां दीआं जिहड़ीआं बनदीआं ड्यूटीज़ है उन्हां नूं दे दित्तीआं गईआं और हर एक नूं इंश्योर किया गया कि सारे ऑफिसर साहबान अपनियां ड्यूटियां जिहड़ीआं तनदेही दे नाल निभाण तां कि सारी संगत है भगवान वाल्मीकि महाराज जी दा आगमन जिहड़ा पर्व है उन्हूं चावां और खुशियां दे नाल मना सके। उदों सानूं ट्रैफिक दी बड़ी मुश्किल आउंदी है, तुहाडे वल्लों वी दे दे दित्ते गए ने डिप्टी कमिश्नर साहब वल्लों वी कहिंदे? देखो, रूरल पुलिस तों वी ऑफिसर साहबान आए सी और अमृतसर प्रशासन नूं भी इहदे लई निर्देश दे दित्ते गए आ। रूरल पुलिस, कपूरथला पुलिस, हर एक नूं जिहड़ा इहदे लई अलर्ट किया गया कि जिहड़ी वाल्मीकि महाराज दे पावन और पवित्र आश्रम दे उत्ते जिहड़ी संगत जाणी है उन्हां दी सुविधा दे लई जिहड़ियां बसिस आणियां संगत नूं किसे तरहां दी परेशानी ना होवे उहदे सारियां जिहड़ियां तैयारियां लई है सारिआं नूं जिहड़ा इहदे लई जिहड़ा अलार्मिंग जिहड़ा। नारायण सेवा समिति व नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपालनगर में स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी के सानिध्य में 8 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ के 4th दिन की शुरुआत हुई। इस कथा के दौरान मुख्य यजमान के रूप में प्रेम शर्मा, प्रवीण एडवोकेट अमित हीना, राघव शर्मा, नारायण सेवा समिति के प्रधान हरेकांत झा, परमहंस पांडे, सुरेश कुमार शुक्ला, आरपी दुबे, माधव पांडे, राजेश बब्बू, सुमन, रमेश चुग, ब्रजेशपुरी, राकेश सेखड़ी सहित कई गणमान्यों ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणा नंद तीर्थ महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि जिसके मन में छल कपट होता है वह कभी शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका मन पवित्र है वही शिव का वास होता है। स्वामी जी ने कहा कि शिव कथा गृहस्थ आश्रम में सुख शांति और वैभव प्रदान करती है। इस मौके पर श्री कृष्ण मुरारी मंदिर के प्रधान सीएल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा, हिंदू क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, जीवन शर्मा, विष्णु जोशी, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र सिंह, संजय चड्डा, माया राम पांडे, सुरेंद्र और वीपी सिंह शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और शिव के बिना
श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में भी साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में गायक महंत मनोहर ग्रोवर एंड पार्टी ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, चंद्रमोहन डिंगरा, दिनेश कुमार, विजय कौड़ा, अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, रमन ढल्ला, किरण कुमार, प्रवीण लकी, गोवर्धन गोंधी, राजेंद्र कपूर, राजेश शर्मा, यश प्रभाकर, ब्रज प्रभाकर, सोहनलाल सारथी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर की ओर से श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बताया गया कि राज योग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं संबंधी भी जानकारी दी गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वालों श्री देवी तला मंदिर के आंगन विच एक अध्यात्मिक प्रदर्शनी हर इतवार को 4 to 7:30 तक लगाई जाती है। इस प्रदर्शनी विच अध्यात्मिक प्रदर्शनी विच आत्मा बारे परमात्मा बारे डिटेल विच समझाया जाता है कि आत्मा का रूप की है, आत्मा इस शरीर विच कित्थे रहिंदी है, आत्मा दी कीड़ी कीड़ी शक्तियाँ हैं, अते इसे तरह ही परमात्मा बारे दस्या जांदा है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कित्थे रहिंदे ने, परमात्मा नू राजयोग दे द्वारा किस तरह याद करना है, अते इस तो अलावा एक नशा मुक्ति अभियान के तहत भी प्रदर्शनी लगाई जाती है जिस विच दस्या जांदा है कि राजयोग दे द्वारा असी इन नशियां तो किस तरह मुक्ति पा सकते हैं। आप जी ने बेनती की जाती है कि यह प्रदर्शनी श्री देवी तला मंदिर के प्रधान श्री शीतल विज जी के सहयोग के नाल लगाई जाती है। इसलिए आप सारियां नूं बेनती की जाती है कि आप अपना कीमती समय कढ़ के इस देवी तला मंदिर दे विच आके अपनी हाजरियां लगाओ और इस प्रदर्शनी का लाभ उठाओ। सिद्ध
शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप रामामंडी वालों ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की। उन्होंने माता की भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर के कैशियर पविंदर बहल, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सैगल, कपिल सैगल ने अग्रवाल बंधु संगीत ग्रुप के गायक कलाकारों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जालंधर छावनी में मोहल्ला नंबर 23 और 24 के मध्य जय गणपति सेवा सोसाइटी की ओर से करवाए गए 21वें वार्षिक जागरण के उपलक्ष्य में हनुमंत ध्वज को मां चिंतपूर्णी धाम हिमाचल प्रदेश में चढ़ाने हेतु प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू की अध्यक्षता में भक्तों का जत्था रवाना हुआ। ये जत्था मां चिंतपूर्णी धाम हिमाचल प्रदेश में हनुमंत ध्वज को चढ़ाकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त करेगा। इस अवसर पर प्रिंसिपल सवीना बहल, ममता, गीतांजलि, रितिका, हेजल, लक्ष्य, रणदीप, भालू, बिट्टू, किरण, कमल, बब्बी, काका, आकांक्षा, उमा, शैली, प्रिया, मंगा, करण, विशाल, पंकज, राजू पंडित, कमल प्रधान, सपना, कमलेश सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय श्री राम। गणपति सेवा सोसाइटी वालों 21वां वार्षिक जागरण किया जा रहा है, जिसकी आज जागरण के उपलक्ष्य में आज झंडा समारोह माँ चिंतपूर्णी के दरबार में लेके जा रहे हैं, जिसकी पूजा अर्चना तेज पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल साथ में उनके मैडमें और भी आई हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके आने पूजा की है। ये पहली बार हमने देखा मैडम जी हमारे यहाँ आए हैं कैंट में। हम शीतल बेद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी झंडा लेके हम चिंतपूर्णी माँ के द्वार में जाएंगे। जय श्री राम। जय माता दी, जय माता दी। जो कि हर साल की तरह इस साल भी जय गणपति सेवा सोसाइटी वालों 21वां वार्षिक जागरण मल्ला नंबर 23 और 24 के मनाया गया। वो असी अज पहल के आधार से साढ़े मैडम स्टेट पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल मैम ने तो उन्होंने टीचर ने आके जो माँ भगवती का झंडे की अदा की है, असी जो अज ये झंडा जय माता चिंतपूर्णी के चरणों के लैके जाना है। असी मैडम प्रिंसीपल स्टेट पब्लिक स्कूल ने ध्यान से इन्होंने स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कमल प्रधान जी, विक्की प्रधान जी और सारी साड़ी टीम जी है उन्होंने आके इतने माता जी का जो झंडे का मेले लगाया सीगा। अज असी इतों जो कि माता चिंतपूर्णी के दरबार हिमाचल लैके जाना है। बस के सारी जो संगत है इन्होंने माता के दर्शन करने आशीर्वाद लेना। इसी तरह असी अगले साल फिर तैयारी करके 21वां जागरण करने हैं। उस तो बाद असी अज अपने वालों फिर अपने जलंधर कैंप वालों शीतल बेद जो प्रधान देवी तला दैनिक सवेरा दे उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते, उन्होंने बहुत ही सहयोग रहा है। जय माता दी। कौशल्या देवी जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनके आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया
देओल नगर नकोदर रोड चालंदर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय कौशल्या देवी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर पारिवारिक सदस्यों में पति दर्शन कुमार राणा, दीपक कुमार राणा, संदीप कुमार राणा, मयूरी राणा, एकता राणा सहित धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय कौशल्या देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रही, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाई। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के अवतार नगर में भाजपा नेता के घर में गैस लीकेज के बाद हुआ ब्लास्ट, दो मासूम बच्चों सहित 5 लोगों की मौत, एक घायल। लहरा काका की चोंटियां चौकी के पास एक कार में लगी भयानक आग, पति पत्नी ने बाहर निकलकर बचाई जान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।